रानी पद्मावती का जौहर वन ऑफ द मोस्ट फेमस जौहर में से एक है, जिसके बारे में बच्चे को पता है और हर किसी को उनके जौहर के बारे में, उसके स्थान के बारे में और उसकी डिटेल्स के बारे में जानने की क्यूरोसिटी रहती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही सब बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको रानी पद्मावती के साथ ही उसी स्थल पे चित्तौड़गढ़ में जो 3 जौहर और हुए थे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। साथ ही आज जौहर स्थल किस तरह से नज़र आता है मैं आपको वो भी बताऊंगी और साथ ही में जौहर क्यों हुए थे इसकी डिटेल्स भी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप भारत में कुछ धार्मिक तीर्थों के दर्शन करना चाहते हैं तो आप मेरी यात्रा प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और अगर आप कोई रोमांटिक हॉलीडेज़ प्लान कर रहे हैं तो आप मेरी नैनीताल टूर की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी जगह है। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्षिता एंड वेलकम टू माई चैनल मॉम एंड हनाया। गार्डन जो आपको दिख रहा है, इस गार्डन को नाम दिया है जौहर स्थल के नाम से। जौहर का नाम किले के ऊपर जो पहला अटैक हुआ था 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का महारानी पद्मिनी के लिए, तो पद्मिनी के जो महाराणा उदय सिंह वो फाइट में वीर गति को प्राप्त होते हैं। तब ये समाचार किले के ऊपर रानी पद्मिनी को मिलते हैं, तो रानी पद्मिनी यहाँ एक अग्निकुंड तैयार करती है। उस अग्निकुंड के अंदर फर्स्ट जौहर करती है रानी पद्मिनी 16,000 राजपूत वीरांगनाओं के साथ। अच्छा, यही जौहर जी बना। सेकंड अटैक हुआ था किले के ऊपर 1535 में बहादुर शाह का, उसमें राजमाता रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजा। हुमायूं आने में 2 दिन लेट हुए, तो 2 दिन लेट होने की वजह से सेकंड जौहर किया किले के ऊपर रानी कर्णावती ने 13,000 राजपूत वीरांगनाओं के साथ, वो भी यहीं। और लास्ट अटैक हुआ था किले के ऊपर 1567 में मुगल सम्राट अकबर का। अकबर के अटैक पर राजगद्दी के ऊपर महाराणा उदय सिंह बैठे हुए थे। उदय सिंह यहाँ से उदयपुर चले गए, किले की कमांड को संभालते हैं उनके वीर सेनापति। तो लास्ट फाइट में जौहर किया सेनापतियों की लेडी ने 7,000 लेडी ने। तो किले के ऊपर टोटल 3 जौहर हुए, तीनों जौहर इसी एरिया के अंदर हुए। जब एरिया गवर्नमेंट के पास आया तो गवर्नमेंट ने यहाँ खुदाई वगैरह करवाई। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस एरिया को कवर करके सामने बोर्ड लगा दिया जौहर स्थल के नाम से। सेंटर में एक यज्ञ स्थल बना रखा है जहाँ आज भी एक यज्ञ होता है उन लेडी की आत्माओं की शांति के लिए, जो लेडी जिंदा आग में जली थी। एट प्रेजेंट जो जौहर स्थल है वो इस तरह से दिखता है। यहाँ बीच में एक हवन कुंड है, इस हवन कुंड में हवन होता है उन स्त्रियों के लिए जिन्होंने जौहर में कूद के अपनी जान दी थी। और जो एक्चुअल जौहर स्थल था वो इस तरह से था। ये वही जौहर स्थल है जहाँ पर रानी पद्मावती ने अपनी दासियों के साथ जौहर किया था। अगर आपको ये जगह पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।